तो हे फ्रेंड्स, दोस्तों हमारे इंडिया में सिर्फ डॉग्स का ही नहीं बल्कि मुर्गों का भी बहुत तगड़ा क्रेज़ है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपके लिए 3 मुर्गियां या हैंस सेल के लिए लेके आया हूं दोस्तों। तीनों ही क्वालिटी बहुत अच्छी है और तीनों ही अपनी जगह बहुत ही शानदार हैं। तो फ्रेंड्स आज डॉग की नहीं आज मुर्गों की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में सेकंड लेवल पे दोस्तों असील मुर्गों का बहुत क्रेज़ है। लोग ऐसी ऐसी मुर्गियां ढूंढते हैं जो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करें, जिनका एग का प्रोडक्शन अच्छा हो या फिर उनका ब्रूडिंग का रिजल्ट अच्छा हो, जो अंडों में से अच्छे बच्चे निकालती हो क्वांटिटी के साथ। तो दोस्तों ये 3 मुर्गियां अवेलेबल है, एक स्टार्टिंग में ब्राउन देखी आपने और एक ये काली मुर्गी जो कि मद्रासी मुर्गी है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक मिक्स ब्रीड और दिखाऊंगा जो कड़कनाथ और असील का क्रॉस है। तो दोस्तों ये 3 मुर्गियां सेल के लिए अवेलेबल हैं और दोस्तों तीनों ही करीब 2 से 2.5 साल की ये मुर्गियां हैं। और दोस्तों ये फुल्ली रिजल्ट प्रूफ मुर्गियां हैं, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों आगे मैं इनको चिक्स के साथ भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये अंडे भी देती हैं और अच्छी क्वांटिटी में अंडे भी देती हैं और बच्चे भी दोस्तों उतने ही अच्छे निकालती हैं। तो दोस्तों हर किसी मुर्गबाज को, मेरे भाई जो भी पालते हैं उनको ऐसी ही मुर्गियों की तलाश होती है जो या तो अंडे अच्छे देती हो या बच्चे अच्छे बनाती हो या फिर बच्चे अच्छे निकालती हो, यानी अंडों में से बच्चे अच्छे निकालती हो, ब्रूडिंग का रिजल्ट अच्छा हो। तो दोस्तों ये वो मुर्गी है जो कड़कनाथ की और असील की क्रॉस है। बट दोस्तों इसकी जो माँ थी वो असील थी। दोस्तों डोंट वरी, ये कुड़क भी होती है। कई मेरे भाई सोचे सिर्फ अंडे देगी, ये कुड़क भी होती है और बच्चे भी निकालती है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा बच्चों के साथ। तो दोस्तों ये तीनों मुर्गियाँ दिल्ली में ही हैं और सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये देखिए पहले इनकी वीडियो देखिए दोस्तों। ये ब्राउन वाली मुर्गी है, इसने 7 से 8 बच्चे निकाले थे और 7 बच्चे इसके अभी भी हैं। और जो मिक्स है कड़कनाथ, उसने दोस्तों 6 बच्चे निकाले थे, वो भी आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में भी आपको एक पेयर लाखा मुर्गा और एक लाखी मुर्गी, बादामी मुर्गी जिसे हम कहते हैं, देखने को मिलेगा। वो सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये जो पेयर है ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, बाकी इनके पास आपको छोटे चिक्स करीब 3 से 4 महीने के सेल के लिए मिल जाएंगे और ये तीनों मुर्गियाँ मिल जाएंगी। और दोस्तों ये तीनों मुर्गियाँ ही अंडे दे रही हैं, सिर्फ ये पेयर जो है सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने करीब 15-16 दिन हो गए बच्चे छोड़े, अब ये अंडों पर है और अंडे इन्होंने देने चालू कर दिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए दूसरी वाली मुर्गी, इसके नीचे भी 6 बच्चे हैं और ये भी करीब 1.5 महीने के बच्चे थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कम से कम भी 1 महीने पुरानी है, मुझे उन भाई ने बताया ये बच्चे और भी बड़े हो चुके हैं। तो जिनको चिक्स की डिमांड थी वो चिक्स के लिए जा सकते हैं, जिन्हें बड़ी एडल्ट मुर्गियों की डिमांड थी अंडे रहती वो मुर्गियों के लिए जा सकते हैं। फाइनली करते हैं प्राइस की बात। तो दोस्तों काली मद्रासन के लिए 2000 रुपये की डिमांड है। दोस्तों ब्राउन वाली के लिए ओनर ने 1500 रुपये की डिमांड की है। और दोस्तों ये जो मुर्गी आपके सामने है कड़कनाथ में, इसकी है 1200 रुपये की डिमांड। तो दोस्तों ये था आज की छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।